हेलो एवरीवन, नेहा ब्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छी आपको CTM रूटीन बताने वाली हूँ। इस रूटीन जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता DIY यूज़ कर सके या फिर फेशियल टाइम टू टाइम करवा सके, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर जो टीनेजर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो है कि अगर वो दिन में 2 बार CTM रूटीन फॉलो करेंगे डे को और नाइट को, तो उनकी जो स्किन है बहुत ही हेल्दी, स्पॉटलेस, क्लियर, हेल्दी ग्लोइंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन क्लिक कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगी CTM होता क्या है। देखिए, होता है क्लिंजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। तो क्लिंजिंग, अभी पहले हम क्लिंजर की बात करेंगे। जो भी आप फेस वॉश डेली यूज़ करते हो वो आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। तो क्लिंजर के लिए मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का क्लिंजर यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये जो फेस वॉश है, तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम या इशू है तो आप उसके लिए हिमालय नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। जो हिमालय नीम फेस वॉश है वो भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, तो वो ओल्ड स्किन टाइप है, तो आप उसे यूज़ कीजिए। तो आप पहले, सबसे पहले आपने अपना क्लिंजर करना है, तो आपको अपने अपने फेस को क्लीन करना है। क्लिंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें डे और नाइट को क्लिंजिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमारी जो भी पोल्यूशन हो, हमारी स्किन पे जो भी डेड स्किन सेल्स या फिर पोल्यूशन या जो भी डर्ट होती है वो उन्हें क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। तो क्लिंजर की तो भी बात होगी, अभी मैंने अपना फेस इस फेस वॉश से धो लिया है। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे गुलाबरी रोज़ वाटर टोनर। तो अभी देखिए, टोनर के रूप में मैं ये रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप DIY कोई रोज़ वाटर यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर आप एक खीरे का रस निकाल कर उसे भी टोनर के जगह यूज़ कर सकते हो। तो टोनिंग जो होती है, जो हमारे पोर्स हैं उन्हें मिनिमाइज करता है, तो हमारा जो pH लेवल है उसे सही रखता है। तो अभी देखिए, टोनिंग के लिए आप कॉटन लेके टोनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास, अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो अपनी फिंगर्स पे कुछ ड्रॉप्स लेके अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए, आप अगर ऐसे भी अप्लाई करोगे, टोनिंग जो है वो फेस वॉश के तुरंत बाद हमें करनी चाहिए, तो पोर्स है उन्हें मिनिमाइज और हाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। थोड़ा सा टोनर लेके आप अपने पूरे फेस पे, आंखों पे, नोज पे लगा के एक आधे मिनट के लिए ये सूख जाएगा हमारी स्किन में। तो टोनिंग करने के बाद कोई भी चेहरा धोना नहीं है, टोनर जो है वो हमारी स्किन में अब्जर्व हो जाता है। तो उसके बाद देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की बात आती है, वो है हमारा मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैं वाउस एलोवेरा स्किन साइंस का, ये वाउ स्किन साइंस एलोवेरा जेल यूज़ करी हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट जेल है, ये एलोवेरा 99% प्योर एलोवेरा है। अभी समर्स आ रहे हैं, समर्स के लिए ये तो बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो अगर इसका मैंने अलग से एक रिव्यू किया हुआ है, तो आप अगर मेरा इस रिव्यू को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। तो अभी देखिए, ये जो जेल है इसे आपने थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे लेना है, थोड़ा सा लेके पूरे चेहरे पे लगा देना है। ये जो मॉइस्चराइजर होता है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, और ये जो एलोवेरा जेल है ये ऑयली स्किन के लिए और एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये समर्स के लिए तो और भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि समर्स आ रही है। तो समर्स में अगर आप ये एलोवेरा जेल लगाते हो तो जो धूप की वजह से सन टैन या कोई भी सन डैमेज प्रॉब्लम आपकी स्किन पे होती है तो उसे रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो अभी देखिए, CTM रूटीन है वो हमारा फॉलो हो चुका है, क्योंकि आपकी स्किन जो है बहुत ब्राइट, ग्लोइंग और हेल्दी होने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।